नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब चैनल में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत छे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धोरण 10 सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2। छेल्ले आपणे चर्चा करेली जरीकाम, धातु विद्या अने त्यारबाद काष्ठकलानो परिचय मेळवेलो। हवे पछी आपणे आगळ वधीए तो जड़तरकामनी कला विशे आपणे माहिती आपवानी छे। तो जड़तरकाम एटले शुं एवो आपणने पहेला प्रश्न थाय। तो जड़तरकाम एटले सोना चांदीना किंमती घरेणामां हीरा जेवा किंमती पत्थरोने जड़वुं अथवा तो एने लगाडवुं के पछी एने चोंटाडवुं एटले एने आपणे जड़तरकाम तरीके ओळखावीए छीए। तो हवे सवाल तरीके आपणने माहिती आपवामां आवेली छे। भारतनी एक प्राचीन कला तरीके जड़तरकामनी कलाने मूलवो। तो जड़तरकामनी कलानुं मूल्य आपणे आंकवानुं छे। फरी एक वखत जोई लेशुं सवाल। भारतनी एक प्राचीन कला तरीके जड़तरकामनी कलाने मूलवो। तो जवाबमां आवशे भारतना राजाओ, सम्राटो, अन्य शासकों तथा ते समयना श्रीमंतो वगैरह सुवर्ण एटले सोनाना अलंकारों धारण करता हता। अहीं सुवर्णनो अर्थ थाय सोनो। तो कोण अलंकारों धारण करता अथवा घरेणा पहेरता था? भारतना राजा, सम्राट, शासको अने श्रीमंत वर्गो सोनाना घरेणा अलंकारो पहेरता हता। हवे ए लोको जे घरेणा के अलंकारो पहेरता हता ए अलंकारोमां हीरा, मोती, माणिक जेवा किंमती रत्नोनो, रत्न एटले हीरो, गळाना हार, कड़ा, मुगट, बाजूबंद, वीटी, दामणी, नथणी वगैरह में जड़ीने एटले लगाड़ीने के चोंटाड़ीने धारण करता हता। तो राजा, महाराजा, सम्राटों, श्रीमंतो वगैरह जे घरेणाओ पहेरता था एनी अंदर हीरा, माणिक, मोती वगैरह जेवा हीराओने केटलाक सोनाना चांदीना घरेणामां एने जड़वामां आवतो, जेने आपणे जड़तरकाम तरीके ओळखावीए छीए। तत्कालीन समयना विशेष निपुणता धरावता तात्कालिक समय में जे लोको पासे वधारे होशियारी हती, जे लोकोने आ घरेणा बनाववामां मास्टरी जेने कहेवामां आवे के जड़तरकाममां जे लोको होशियार हता एवी निपुणता धरावता कारीगरो आवी जड़तर कलामां प्रवीण हता एटले ए लोको होशियार हता। तो आवुं जड़तरकाम करवामां आ केटलाक कारीगरो जे छे ए एमां पोतानी रीते होशियार हता। त्यारबाद वात करीए तो भारतमां राजस्थाननुं बीकानेर शहर घरेणाना जड़तरकाम माटे मशहूर छे। तो भारतमां राजस्थाननुं जे बीकानेर शहर छे न्यां आवा जड़तरना अलंकारो एटले के सोना चांदीना घरेणामां आवुं जड़तरकाम करवामां आवे छे। तो आ छे जड़तरकाम कला। फरी एक वखत आपणे चर्चा करीए के भारतनी एक प्राचीन कला तरीके जड़तरकामनी कलाने मूलवो। तो भारतना राजाओ, सम्राटो, अन्य शासको तथा ते समयना श्रीमंतो वगैरह सुवर्णना अलंकारो धारण करता हता। आ अलंकारोमां हीरा, मोती, माणिक जेवा किंमती रत्नों ने गळाना हार, कड़ा, मुगट, बाजूबंद, वीटी, दामणी, नथणी वगैरह में जड़ीने धारण करवामां आवतुं हतुं। तत्कालीन समयना विशेष निपुणता धरावता कारीगरो आवी जड़तर कलामां प्रवीण एटले होशियार हता। भारत में राजस्थाननुं बीकानेर शहर घरेणाना जड़तरकाम माटे मशहूर छे। तो जड़तरकाम एटले सोना चांदी जेवा किमती करेणा में किमती हीराओं ने चढ़वू एटले एने जड़तरकाम तरीके ओळखवामां आवे छे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब चैनल में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत छे। आगळ आपणे चर्चा करेली जड़तरकाम कला, हवे पछी आपणे माहिती आपवानी छे अकीक काम। अकीक एक किमती पत्थर छे, आनो उपयोग सामान्य रीते जो बात करिए तो जीवी रीते सोना चांदीना घरेणामां हीरा वगैरेने जड़वा माटे थतो तो एवी ज रीते आ अकीक नामना पत्थरनो उपयोग आ सोना चांदीना घरेणामां जड़वा माटे करवामां आवे छे। तो जोईए सवाल तरीके आपणे पूछवामां आव्युं छे, टूंक नोंध लखो अकीक काम। जवाब आवशे अकीक ए भारतनी केटलीक नदीओना खीण प्रदेशमांथी मळी आवतो एक प्रकारनो किमती पत्थर छे। तो अकीक आपणने नदीना खीण प्रदेशमांथी मळे छे। हीरानी जेम ए किमती पत्थर गणाय छे एटले एने घरेणामां जड़वा माटे उपयोगमां लेवामां आवे छे। त्यारबाद बीजा केटलाक पत्थरोना नाम छे जेमां आवशे अकीक, चकमक अने अर्ध पारदर्शक सुंदर रातो पत्थर एमां मुख्य गणवामां आवे छे। चकमक पत्थरनी जो वात करवामां आवे तो आदिमानव वखतमां एवुं कहेवाय छे कि आदिमानवे आ बे चकमकना पत्थरोने घस्या, एमांथी अग्नि उत्पन्न थई अने आ रीते अग्निनी शोध थई। तो बीजा पत्थरोना नाम आपवामां आव्या छे अकीक, चकमक अने अर्ध पारदर्शक सुंदर रातो पत्थर एमां मुख्य गणाय छे। जे सिलिका मिश्रित, सिलिका एटले रेती, सिलिका मिश्रित भूरा के धोळा, धोळा एटले सफेद रंगना पत्थरोने अकीक कहेवाय, जेने केल्सिडोनिक तरीके पण ओळखवामां आवे छे। आम सिलिका हवामान अने पाणीनी प्रक्रियाओ वडे तैयार थाय छे। तो सिलिका मिश्रित भूरा के धोळा रंगना केल्सिडोनिक पत्थरोने अकीक कहेवाय छे। आम सिलिका हवामान अने पाणीनी प्रक्रियाओ वडे तैयार थाय छे। अकीकना पत्थरोने अलंकारोमां जड़वा माटे खंभात मोकलाय छे। मतलब एनो एवो थयो के जड़वा माटेनुं काम खंभात शहर में थाय छे अने आ खंभातना कारीगरो अकीकना पत्थर पर पहेल पाड़वानी, पहेल पाड़वा एटले पत्थर ने घसीने चळकाट आपवामां आवे एने पहेल पाड़वा कहेवाय। त्यारबाद तेओ जुदी जुदी क्रिया प्रतिक्रिया करी अने तेने विविध अलंकारोमां, विविध घरेणाओमां तेने जड़वा पात्र बनावे छे। टूंक में आ अकीकना पत्थरनो उपयोग माला के मणका तैयार करे छे। तो खंभातना कारीगर द्वारा शुं करवामां आवे छे, अकीकना पत्थरो पर पहेल पाड़वामां आवे छे, जुदी जुदी क्रिया प्रतिक्रिया करे छे, अलंकारोमां एने जड़वा पात्र बनावे छे। वळी एनो उपयोग अकीकना पत्थरोनी माला के मणका तैयार करवा माटे थाय छे। अकीक पत्थर क्यांथी मळी आवे छे तो भारत में गुजरात राज्यना सूरत, खंभात, अमदावाद अने राणपुर विस्तार में जुदा जुदा आकारना अकीकना पत्थरो मळी आवे छे। तो फरी एक वखत जोईशुं आपणे, टूंक नोंध लखो अकीक काम। जवाब में आवशे अकीक ए भारतनी केटलीक नदीओना खीण प्रदेशमांथी मळी आवतो एक प्रकारनो किमती पत्थर छे। अकीक, चकमक अने अर्ध पारदर्शक सुंदर रातो पत्थर मुख्य गणाय छे। सिलिका मिश्रित भूरा के धोळा रंगना केल्सिडोनिक पत्थरोने अकीक कहेवाय छे। आम सिलिका ए हवामान अने पाणीनी प्रक्रिया वडे तैयार थाय छे। अकीकना पत्थरोने अलंकारोमां जड़वा माटे खंभात मोकलाय छे। खंभातना कारीगरो अकीकना पत्थरो उपर पहेल पाड़वानी અને જુદી જુદી ક્રિયા પ્રતિક્રિયા કરીને તેને વિવિધ અલંકારોમાં જળવાપાત્ર બનાવે છે। ટૂંકમાં અકીકના પથ્થરોની માળા કે મણકા તૈયાર કરે છે। ગુજરાતમાં સુરત, ખંભાત, અમદાવાદ અને રાણપુર વિસ્તારમાં જુદા જુદા આકારના અકીકના પથ્થરો